एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उस किसान के 3 बेटे थे। वे बहुत ही आलसी थे। अपने पिता की मदद करने की जगह वे दिन भर आपस में लड़ते रहते थे। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ गया। अब उसे यह चिंता सताने लगी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बेटों का क्या होगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की और उनका एक गट्ठर बनाया और अपने बच्चों को बुलाया। किसान ने उन्हें वह गट्ठर तोड़ने के लिए दिया। एक के बाद एक सबने भरपूर कोशिश की लेकिन उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाए। उसके बाद किसान ने उस गट्ठर को खोलकर सबको एक एक लकड़ी दी और तोड़ने को कहा। इस बार सबने झट से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। तब किसान ने सबको समझाया, देखो जब मैंने तुम सबको यह गट्ठर तोड़ने को दिया तो कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसे अलग करके एक एक लकड़ी दी तो उसे सब ने आसानी से तोड़ दिया। ऐसे ही अगर तुम सब मिलकर रहोगे तो हर मुसीबत का मुकाबला कर सकते हो, जो अलग अलग रहकर नहीं कर सकते। यह बात किसान के तीनों बेटों की समझ में आ गई और फिर सब मिलजुल कर रहने लगे। किसान भी बहुत खुश हुआ। एक बार की बात है, दीनपुर गांव में सोहन नाम का एक मिठाई वाला रहता था। उसकी मिठाई की दुकान पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। सभी उसकी दुकान से आकर मिठाई लेकर जाते थे। सोहन और उसकी पत्नी शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाकर बेचते थे, जो कि सभी को पसंद थी। बहुत मिठाई की बिक्री होने के कारण उसकी दुकान अच्छी चल रही थी, जिससे उसको काफी मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन सोहन फिर भी अपनी कमाई से खुश नहीं था। वह और कमाई करना चाहता था। उसने बहुत सोचा और एक तरकीब निकाली। वह शहर जाकर एक चुंबक का टुकड़ा लेकर आ गया, जो कि उसने अपने तराजू पर लगा दी, जिससे वह मिठाई बेचने में बेईमानी कर सके। इसके बाद एक ग्राहक आया और उसने 1 किलो जलेबी के लिए सोहन को बोला। सोहन ने चुंबक को लगाकर जलेबी तोल दी, जिससे उसको ज्यादा मुनाफा हुआ। उसने अपनी पत्नी को ज्यादा मुनाफे के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने सोहन से इसका कारण पूछा तो उसने चुंबक वाली बात बता दी कि कैसे वह अपने तराजू में चुंबक लगाकर लोगों को ठग रहा है। उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि यह तो ग्राहकों के साथ धोखेबाजी है, वह ऐसा ना करे। लेकिन सोहन कहां मानने वाला था। उसने यह काम चालू रखा क्योंकि उसको बहुत अच्छा मुनाफा जो हो रहा था। यह काम इसी तरह चलता रहा। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी देने को कहा। सोहन ने वैसे ही जलेबी को तोल कर दे दिया। रवि ने जब जलेबी को देखा तो सोहन को बोला, यह तो कम लग रही है, क्या आप इसको दोबारा तोल सकते हैं। इस पर सोहन गुस्सा हो गया और रवि को बोला, मुझे और भी बहुत काम है, तुमको लेकर जाना है तो ले जाओ, वरना रहने दो। रवि यह सुनकर जलेबी लेकर चला गया। लेकिन वह दूसरी दुकान में गया और उसने जलेबी को दोबारा से तुलवाया, जिससे उसको पता चला कि जलेबी 1/2 किलो कम थी। इसके बाद रवि एक तराजू लेकर सोहन की दुकान में गया और उसकी दुकान के बाहर तराजू रख दिया। रवि सभी गांव वालों को चिल्लाकर बुलाने लगा। यह देखकर सोहन डर गया और रवि से बोला, यह क्या तमाशा लगा रखा है। रवि ने लोगों को बताया, जादू देखो, आप जो भी मेरे इस तराजू में तोलोगे वह कम हो जाएगा जब आप उसको सोहन के तराजू में तोलोगे। उसने यह करके दिखाया और इसके बाद सोहन के तराजू में लगा चुंबक लोगों को दिखाया और सारी बात बताई, जिससे लोगों ने सोहन की खूब पिटाई की। सोहन ने आगे से लोगों के साथ ऐसा काम ना करने का वादा किया।